tuko sita. Dami tuko sita. Ai, dami tuko sita. Dami tuko sita. Ai, dami tuko sita. Dami tuko sita. Ai, dami tuko sita. More de para aquí, more de para allá. Dami tuko sita. Ai, toma. टीचर बाबली गांड की तरह क्या कुत्ता फिर रहा है। अरे बिल्लू भाई, ये मार्केट में नए तरीके का डांस आया है, लौंडे लौंडी ऐसे करके फेमस हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा इस एलियन के साथ कूद कूद के फेमस हो रहे हैं। अरे हाँ, तू भी ट्राई कर ले। ओ बेटे की जमन, फिर तो जरूर करेंगे। लगा लगा गाना लगा। अरे ऐसे नहीं करना यार बिल्लू भाई, ये गलत कर रहा है तू। अच्छा बाप को सिखा क्या कैसे करना है। पग पैंच करता रहे जो करना, मैं तो जा रहा हूँ। धीरू बंचे। हे गाइस, यार थैंक यू सो मच फॉर 15 के सब्सक्राइबर। हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं तुम सबके प्यार और सपोर्ट से और मेरी मेहनत से। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बर्बाद ट्रेंड की, जिसका नाम है दमे तू कसीता चैलेंज। क्या हुआ, तुमने नहीं सुना ये? अच्छा, आज हम बात करेंगे एलियन वाले डांस की। दमे तू कसीता। आई, दमे तू कसीता। अबे अबे अबे, इतना बड़ा मुंह कौन खोलता भाई डांस करते हुए? इसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। इतना बड़ा मुंह किसी लड़के को खोलते हुए तो मैंने पहली बार देखा है। मीठे हो क्या? भाई जिस बंदे ने आज तक शादी में ये वाला डांस नहीं किया ना, वो बंदा भी ये दमे तू कसीता वाला चैलेंज कर रहा है। तू कसीता, दमे तू कसीता। मम्मी मम्मी, पापा को मिर्गी का दौरा पड़ गया, जल्दी से मेरी चड्डी लाके सुंगाओ जिसमें मैंने अभी अभी हगा है। इस भाई ने ऐसा डांस किया है ना कि चैलेंज की एकदम मां चौधरी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि ये चैलेंज इतना वायरल कैसे हुआ, कैसे कैसे। हर बार की तरह इस बार भी इसमें महिलाओं का इतना बड़ा हाथ है। अरे मारेगी क्या, चल निकल यहां से। हुर। इंटरनेट पे पाए जाने वाले लोगों में से एक बहुत ही बड़ी प्रजाति है जिसे हम कहते हैं हबस के पुजारी, हबसी लोग। तो बस उन हबसी लोगों को कोई चीज मिल जाए जो कि एक लड़की कर रही हो, वो भाग पड़ता है उसके पीछे कुत्तों की तरह। हमें तो कुछ बस इतना ही, गाने के ऊपर अपने होठ हिला दिया और वो करके बस आगे मिलियंस में व्यूज, मतलब लिपसिंग करने से फेमस हो रहे हैं आजकल लोग। पहचान नहीं, इसने और इसने कम से कम अपनी वीडियो में कुछ मेहनत तो की है, अपनी रामकली को छिपकली की तरह लहराया है। लेकिन ये लड़कियां क्या करती हैं, बस गाने के ऊपर अपने होठ हिला देती है, लिपसिंग कर देती है, तुम्हें देख के उसे मजा आ जाता है। है क्या मजा आता है तुम मुझे ये बताओ पहले, है मुझे जानना, पहले तुम मुझे ये बताओ तब बनाऊंगा मैं आगे की वीडियो। पहले तुम मुझे बताओ क्या मजा आता है, बताओ मुझे जानना है, बताओ बताओ। चूतिया बनाती है तुम सबको, तुम बन जाते हो। यार लिपसिंग करना कोई टैलेंट नहीं होता, कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, रुको मैं करके दिखाता हूँ। तेरी माँ का भोलापन, तेरी बहन की चूड़ियाँ और तेरे बाप का लंदन में है बिजनेस। हाँ कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम किसी की लिपसिंग वाली वीडियो देख के पागल मत हो जाना। हमें तो कुछ सीता, हमें तो कुछ सीता। अरे वाह वाह, ये बंदा बहुत सही खेल गया, मतलब अपनी कमरिया नहीं हिला पाए तो प्रोटीन शेक की बॉटल ही हिला डाली। बहुत बढ़िया, वैसे इतनी मेहनत कहीं और कर ली होती तो मजा सा आ जाता। कुछ लोग इस चैलेंज को एक अलग ही लेवल पे ले जा रखे हैं, तो उन्हीं में से एक बंदा ये है सड़क पे जाके नाचने वाला। मैं तुको सीता, मैं तुको सीता, मैं तुको सीता। अरे भाई यार क्या सीन है, तुम्हें पता है अगर मेरे सामने कोई सड़क पे ऐसे आके डांस करने लगे ना मेरे सामने, तो भाई मेरी फटके 64 हो जाएगी, मैं सीधे अपने घर भागूंगा और टैंक में जाके छुप जाऊंगा। भाई मेरे बस की नहीं है ऐसा झेलना, मेरी गांड फटती है ऐसे इंसानों से। तुम्हें पता है इसके मोहल्ले की आंटी अपने बच्चों को इसके नाम से डराती है। बेटा चुन्नू सो जा, नहीं तो वो हरे बनियान और जले हुए बाल वाले भैया तुम्हें आके उठा के ले जाएंगे। नहीं मम्मी, उन भैया को मत बुलाना ना, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए सो रहा हूँ।
तो यार बस आज का वीडियो इधर ही खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी भी दबाना। और हाँ, कमेंट जरूर करना यार, क्योंकि जब तुम कमेंट करते हो ना तब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे पिछली वीडियो में कमेंट किए थे, ऐसी इसी वीडियो में भी कमेंट करना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये सिर्फ एक मजाक था जो कि तुम्हें सीरियसली लेना था। मैंने वीडियो अपलोड किया मजे मजे में, तुमने मेरी ले ली हाँ बेवजह में। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, सब कुछ बोला सही।